नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपका जो सीटेट का जो आपका पेपर होने वाला था, जैसा कि आपको पता था, आपके जब फॉर्म भराए गए तब बताया गया कि आपके जो पेपर होंगे वो आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे, परंतु अब ये जो पेपर होंगे वो आपके ऑनलाइन नहीं लिए जाएंगे, अब आपका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन लिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी पेपरों को डिजाइन कर पाए इतनी जल्दी, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये आपके ऑफलाइन पेपर को ले रहे हैं। एक बार में ही आपके एक दिन में ही आपका पूरा पेपर ले लिया जाएगा। आपकी एग्जाम की डेट क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आपका पेपर पूरा कैसा होगा, ऑफलाइन होगा। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए मेंटली इस चीज़ के लिए कि आपको जो पेपर देना है वो आपको ऑफलाइन देना है, नहीं कि ऑनलाइन देना है। तो चलिए, हम इस नोटिस को, जो आप नोटिस यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नोटिस को मैं ऑफिशियली आपको दिखाऊंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, और इसके अंतर्गत आपके लिए लिखा क्या गया है, वो सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, और गूगल क्रोम में आप यहाँ सर्च बॉक्स में आप डाल दीजिए CTET.NIC.IN। आप जैसे ही डालते हैं, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है CTET की, तो यहाँ पर CTET.NIC.IN डाल देंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे इसको। और सर्च करने के बाद आप देखेंगे ये जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ये आ चुकी है। ये कैसी है? आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आपको ये जो नोटिस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम देखिए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस है आपका पब्लिक नोटिस ऑफलाइन एग्जाम पेपर, देखिए लिखा हुआ है ऑफलाइन एग्जाम पेपर पेन पेपर OMR बेस्ड, ये आपका पब्लिक नोटिस है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, इस सेक्शन में आपको देखिए क्लिक करना है। इस सेक्शन में जैसे पूरा है आपका, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका है, यहाँ पे ये पब्लिक नोटिस है, इसी पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा ये जो नोटिस होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, ये जो नोटिस है वो आपका डाउनलोड हो रहा है, और डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो नोटिस है वो आपको दिखेगा। तो देखिए, ये आपका कंप्लीटली डाउनलोड हो चुका है, अब आपका ओपन हो रहा है। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए ये आ गया आपका, ये आपका जो आया हुआ है आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिला है, जिसमें आप देख पाएंगे तो लिखा हुआ है डेट 9/6/2023 पब्लिक नोटिस। और पब्लिक नोटिस में आगे नीचे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर 17th एडिशन फॉर सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट सीटेट एग्जामिनेशन विल नाउ बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। तो अब ये जो आपका 17th आपका जो हो रहा है, जो एडिशन आपका जो एग्जाम्स अब लिया जा रहा है सीटेट के द्वारा, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो आपका कैसा लिया जाएगा, ऑफलाइन लिया जाएगा, पेन पेपर बेस्ड OMR बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा किस तारीख को, तो आपका 20 तारीख को आपका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी तारीख पड़ी है 20 तारीख 8वां महीना 2023, यानी 20 अगस्त को आपका ये जो पेपर है वो आपका संडे के दिन आपका पेपर, एक दिन में ही आपका पेपर लिया जाएगा, ठीक है। तो अब लिखा हुआ देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, संडे को लिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया इन स्पेसिफाइड सिटीज। तो ये इन्हीं चिन्हित, जिन्होंने आपकी ये सीट करी, सिटी करी हुई है इन्होंने, वहाँ पर ये आपका एग्जाम लिया जाएगा। द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल्स एंड एग्जामिनेशन सिलेबस लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी जो आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी और जो लैंग्वेज से रिगार्डिंग जो भी आपके जो सवाल होते हैं वो आपके सब यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी दिए गए हैं। इसमें आप अगर नीचे बढ़ जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे हिंदी में जो इसका ट्रांसलेशन वर्जन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखे से पढ़ सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 17वें संस्करण में पंजीकृत आवेदनों को सूचित किया जाता है कि अब वह परीक्षा ऑफलाइन मोड में यानी पेन पेपर बेस्ड पर आधार पर होगी। अब परीक्षा 20 अगस्त 2023 को रविवार को पूरे भारत में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट शहरों में ही आयोजित किया जाएगा। यानी मान लीजिए आपने अपना कोई सिटी भरा था, एग्जामिनेशन सिटी भरा था, तो वहीं पर जो आपका एग्जाम है वहीं पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। और विस्तृत आप जानकारी के लिए, जैसे कि आपका पाठ्यक्रम हो गया, भाषा हो गया, मापदंड हो गया, अन्य आपके जो प्रासंगिक टिप्पणी हैं, इनको आप देख सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर,
आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका ये ऑफिशियल नोटिस है, जैसा कि हमने आपको देखिए यहाँ पे दिखा भी दिया, ये कैसा है आपका ऑफिशियल नोटिस है जो कि आपका सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। ये आपकी क्या है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब आपने आपको आपको क्या करना है, तो देखिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन की प्रैक्टिस करनी है और ऑफलाइन से अपने एग्जाम को क्लियर करना है, आप अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ओके, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्त का जरूर शेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।